आडवाणी। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर लगाए संगीन आरोप। जब से हमारी सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को धोस देने और धमकाने के साथ भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बना रही है। 20 मार्च कांग्रेस सरकार की गिरने के एक वर्ष बाद कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को एक वर्ष पूर्व भाजपा ने छलबल से गिराकर अपनी सरकार बनाई थी, जिसको लेकर कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है। वहीं जिले में भोंगरिया को लेकर कई आदिवासी संगठनों के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि जो जिले के हित में जनता जनार्दन के हित में हो, उसको लेकर प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर कहा कि यह प्रशासन शासन की विफलता है। साथ ही वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर बाला बच्चन ने पलटवार करते हुए कहा कि जब से हमारी सरकार गई है, हमारे कार्यकर्ताओं के पास, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास उनके लोग पहुंचते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, धोस देते हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी जांच करा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे, इस तरह की बातें करते हैं और हमारे लोगों के पास उनके लोग पहुंचते भी हैं। रखी गई है किन मुद्दों को लेकर पेशी रखी गई कांग्रेस? देखिए, अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस हम लोग मना रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। तो बड़वानी जिले में भी हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा और पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस बड़ी हजारों की संख्या में मनाया जा रहा है। इस कारण से आज ये पीसी रखी है कि आप लोगों की जानकारी में भी मैटर आ जाए और जिससे कि जिले की सभी जनता जनार्दन को सबको पता भी चल जाए। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारी जो सरकार जो चल रही थी, उस सरकार को उन्होंने धन बल से विधायकों की खरीद फरोख्त करके जो सरकार, जो कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार गिराई और भाजपा ने अपनी जो सरकार बनाई, इस कारण से लगभग एक साल जो 20 मार्च को हो जाएगा, इस कारण से लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में हम लोग 20 तारीख को जो कर रहे हैं उससे संबंधित पीसी थी। भैया, भगुरिया हाट को लेकर आदिवासी समाज और जिला प्रशासन आमने सामने है, क्या कहूंगे इसको लेकर? देखिए, जो जिले के हित में है, जनता जनार्दन के हित में और फेवर में है, पक्ष में है, वो प्रशासन को और शासन को निर्णय करना चाहिए। बड़वानी जिले में लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है बड़वानी जिला, इसको लेकर प्रशासन और शासन की विफलता है। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया है कि बाला बच्चन ने मुझे खरीदने का आरोप लगाया है, इसमें कितनी सत्यता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह की बात, जब से हमारी जो सरकार गई, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को धोस देना, डराना, उनपे खौफ पैदा करना, उनमें भय पैदा करना कि पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो हम आपकी जांच करा देंगे, इस तरह के वो फोन कराते हैं और इस तरह से लोगों को उनको हमारे